सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। मेरे जीवन सबसे अनोखी प्रार्थना है, क्योंकि प्रार्थना के साथ साथ आपके लिए बहुत सारी गवाहियाँ है। वो गवाहियाँ जब आप सुनोगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा और आप आनंदित हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आइए गवाहियाँ सुनते हैं। जय मसीह की पास्टर जी, और मैं रमेश बोल रहा हूँ कन्याकुमारी से, और परमेश्वर ने एक अद्भुत काम मेरे जीवन में किया है। पास्टर जी, मैं मेडिकल टेस्ट के लिए गया, लेकिन सब कुछ अच्छा था, लेकिन थोड़ा ब्लड में थोड़ा शुगर था, उसके बाद में यूरिन में भी शुगर बढ़ गया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था इतना बढ़ जाएगा। लेकिन डॉक्टर मुझे 4 दिन का टाइम दिया था जिसमें तुम नॉर्मल सर्टिफिकेट दो, और परमेश्वर को धन्यवाद। मैं बहुत टेंशन में था, चिंता में था, परमेश्वर मैं क्या करूँ, लेकिन ये 4 दिन में परमेश्वर मेरा सब कुछ नॉर्मल कर दिया। पास्टर जी, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर के अद्भुत कार्य के लिए महिमा हो। पास्टर जी, पास्टर जी आपको धन्यवाद, और आपके प्रार्थना के लिए, आपके मिनिस्ट्री के लिए मैं हर समय दुआ करूंगा। पास्टर जी, जय मसीह की। पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। सर, आज जब मैंने सुबह मॉर्निंग में, रात को सर मैं देख नहीं पाया था, क्योंकि मैंने ना फ्राइडे को सर चोट लग गया था, एक्सीडेंट हो गया था बाइक, कार वाले ने ना, मैं स्कूटर से जा रहा था तो कार वाले ने साइड में मार दिया था, गुड़गांव सेक्टर 52 में। तो थोड़ा राइट वाले हैंड, लेफ्ट वाले हैंड में ना सर चोट लग गया था, तो उसके कारण मैं बेड रेस्ट पर था। वैसे तो मैं सर सही बताऊँ तो जब भी समय मिलता है आपका, मैं टीचिंग या प्रभु का जो वचन होता है आपके द्वारा मैं सुनता ज़रूर हूँ, लेकिन अभी छुट्टी है चुके तो घर पे हूँ, तो कंटिन्यू जब भी समय मिलता है देख लेता हूँ और देखता ही रहता हूँ सर। तो सर आज मैंने सुबह जो पवित्र आत्मा की आग थी, लाइफ जो आपने रात को दिया था, लेकिन सुबह मॉर्निंग में मैंने उसको देखा, अचानक ऐसे फ़ोन चलाता हुआ मेरे सामने आया, मैंने उसको ऑन करके देखा। देखने के बाद सर जो आपने मिरेकुलस मनी की थी, तो सर उसमें मैं अपना ATM कार्ड और वॉलेट अपने पास में रखे थे, और मैं अद्भुत गवाही है सर, कई बार मेरे जीवन में प्रभु कार्य करते हैं, और हर समय जब भी मैं परेशान होता हूँ, दुखी होता हूँ, प्रभु अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा के मुझे बचा लेता है। तो मेरे कोटक बैंक में सर, चूँकि वो 811 अकाउंट्स है, तो उसमें मनी हो, पैसे होना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसमें मेरे ख्याल से पैसे नहीं थे, है ना। तो 2-3 दिन पहले उसमें 3200 रुपये थे, तो मैंने विड्रॉ कर लिए थे मुझे रेंट देने के लिए, तो वो अकाउंट 0 था। आज सर उसमें मैं ऐसे कुदरती मैं चेक कर रहा था, अभी मैंने कहा देखते हैं, तो उसमें सर 1000 रुपये की प्रभु ब्लेसिंग हुई थी। तो मैं आपको दिल से सर और प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मेरे अकाउंट्स में 1000 रुपये की ब्लेसिंग करी है, और उसमें से सर मैं आपको उसका 10% सर मैं आपको इसी अकाउंट्स में मैं सर आपको प्रभु की राज के लिए मैं इस्तेमाल होने के लिए आपको देता हूँ सर, और मेरे लिए सर कंटिन्यू करिए, प्रार्थना करिएगा। सेकंड सर विषय ये है कि सर अब 2 साल होने वाले हैं सर, मैं मेरी वाइफ, क्योंकि मैं बहुत बदतर ज़िंदगी जीता था 2 साल पहले, मैंने प्रभु को तो सर करीब 13-14 साल पहले ग्रहण कर लिया था, 15-16 साल पहले, लेकिन सर मैंने प्रभु को जान नहीं पाया सर, या उस तरह से मेरी टीचिंग नहीं थी, या उस वक्त वैसे लोगों से मैं नहीं जुड़ा था सर, और निरंतर सर मैं पाप में ही, घृणित कामों में ही सर रहा मैं, दारू पीना सर, नजायज बहुत कुछ सारी चीज़ें थी सर, जिसको मैं प्रभु जानता है सर, बहुत पाप अपराध गुनाह किया। बार बार प्रभु ने अपने दास लोगों को द्वारा स्पष्ट रूप से सर प्रभु ने मुझे बताया कि तेरे एक घृणित कार्य हैं, अपने दास लोगों को द्वारा प्रार्थना में कई बार बताया सर, लेकिन मैं उस वक्त रोता था, प्रार्थना करता था, लेकिन सर वो जो मेरे मन में घृणित सोच विचार थे सर, वो मेरे मन से नहीं जाते थे सर। मैं कई बार बाइबल में लिख दिया कि आज के बाद ये पाप नहीं करूँगा, या गाली नहीं दूंगा, या लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, हाथ नहीं उठाऊँगा, लेकिन सर बार बार वो मेरे से होता था सर। पिछले दो साल पहले सर फरवरी में हमारे घर में बहुत बड़ा कलेश, काफ़ी समय तो था ही मियाँ बीवी के बीच में, लेकिन 2 साल पहले सर मैं जब बाहर था, मैं जॉबलेस था सर, और मैं पार्क में जाकर बैठा था, और ऐसे ही बैठते बैठते सर जब शाम को जब घर आया, तो मेरी वाइफ घर छोड़ के जा चुकी थी सर, वो किसी फ्रेंड के घर, उसकी अपने घर पर गई थी, और उसके बाद से मेरे मन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सर, मैंने लड़ाई झगड़ा फ़ोन पे ही गाली गलौज कर लिया। उसके बाद बीच में सर वो आज 2 साल हो गया सर, कई बार मैंने बात करने की कोशिश करी,
बात नहीं हो पाई है। एक मेरी बेटी है जसलीन, 9 साल की बेटी है सर, 3rd क्लास में पढ़ रही है। बेटी का सारा खर्चा मैं उठा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ सर। उसकी माँ भी उसकी केयर करते सर, ऐसी बात नहीं कि हम दोनों आनी, बस वो मेरे से बात नहीं होती है। बाकी सर अपने माँ के अपने और मेरी जो बेटी अपने नानी के घर पर रहती है, और नाना नानी सब बहुत उसे प्यार करते हैं सर अपने। वो बस मुझसे नहीं बात करती, अपने पापा से नहीं बात करते, बाकी अपनी माँ से बहनों से सबसे बातचीत करती है सर मेरी भाई। तो सर उसके लिए प्रार्थना करिएगा कि परमेश्वर ने अपने दास लोगों के द्वारा, कई जनों के द्वारा प्रभु ने बोला है, भविष्यवाणी भी किया है कि जो टूटे हुए घर हैं, जो टूटे हुए पति पत्नी अलग हैं, वे एक हो जाएंगे। आपके भी वचन में था सर परसों 1 तारीख को जो आपने उसमें दिया था कल के, तो उसमें भी था सर। मैं विश्वास करता हूँ, और विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी होती है सर, कि अनदेखी चीज़ों पर विश्वास करना, क्योंकि प्रभु वो कर सकता है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु सब कुछ अच्छा करेगा। तो उसके लिए प्रार्थना करिएगा सर। अभी मैं वचन में, प्रार्थना में, संगति में हूँ सर, और गुड़गांव में हूँ सर। और प्रार्थना करिएगा कि मैडम घर लौट आएँ, सब कुछ हमारा घर परिवार प्रभु का नाम में ब्लेस हो। और सर मुझे आपकी हेल्प चाहिए सर, मुझे नए नियम के कुछ बाइबल चाहिए सर, ताकि मैं सर जब जॉब पे होता हूँ तो सर कई लोग मिलते हैं, तो जिस काम में मैं आ सकूँ प्रभु मुझे बढ़ाए बताए। तो मुझे नए नियम का बाइबल सर अगर आप ज़्यादा नहीं, अगर 50 करीब भी दे देंगे, तो सर उसका जो भी आप बोलोगे मैं उसके मनी भी पे कर दूंगा। लेकिन सर कुछ मुझे 50 से 25 बाइबल सर आप एक बार भेज के देखें। मैं प्रभु के नाम में कार्य करने के लिए तत्पर हूँ सर, तैयार हूँ। मैंने कई बार सोचा सर, और लेकिन सर सफल नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए प्रार्थना करेगा कि प्रभु जैसे चाहते हैं मेरे जीवन को इस्तेमाल करें। मेरा नाम सुभाष है, मेरी बेटी का नाम जसलीन है, मेरी वाइफ का नाम नीतू है सर। हमारा घर परिवार ब्लेस हो, और प्रभु ने आज जो ब्लेसिंग मेरे जीवन में करी है, मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और सब कुछ प्रभु हालात को सब कुछ जानता है, मनों को जांचने वाला प्रभु है, क्योंकि प्रभु ने हमारी आत्माओं से प्रेम किया, हमारे शरीर से नहीं, हमारे सोच विचारों से नहीं, प्रभु ने हमारी आत्मा को बदला है। तो प्रभु हमारे जीवन को भी बदले, और सब कुछ प्रभु इस नस्ल नाम में ब्लेस होने पर उसके लिए प्रार्थना करिएगा सर, और घर पर हमारे एक होने पर इसके लिए प्रार्थना करिएगा सर। जय मसीह की। प्रॉफिट जी, पहले मैं आपके वीडियोस को कभी कभी देखती थी। जब मैंने आपका वो वाला वीडियो देखा जिसमें आपने महिलाओं के महिलाओं पर आने वाले संकट के बारे में बताया था, और उसके कुछ दिन बाद मेरा एंकल स्प्रेन हुआ और मेरा राइट लेग पर प्लास्टर हुआ। एक रात को 12 o'clock वाली लाइव प्रेयर में मैं पहली बार जब ज्वाइन हुई, तब आपने कहा कि एक बहन पर मुसीबत आ चुकी है। आई वॉज सरप्राइज्ड। और आज रात को मैंने आपकी वो वाली प्रेयर, लाइव प्रेयर जब सुनी, जिसमें आपने चमत्कार होगी और परमेश्वर की आँख देखोगे आज, ये वाली उसमें मैं ज्वाइन विश्वास के साथ में बैठी हुई थी, और आपने कहा कि आपको कुछ दिखेगा रूम में, कुछ पिंक पिंक सा आपको कुछ चीज़ दिखेगा। वो मुझे दिखा, और आपने कहा था कि अपने वैलेट को चेक करो, और मैंने अपना वैलेट चेक किया, और जिसमें मुझे 52 रुपीस की मिरेकल मनी प्राप्त हुई। और रात को सपने में भी कुछ आपको दिखेगा ऐसा कहा था आपने, और मैंने रात को ड्रीम में देखा कि एक पुल है, पुल के नीचे बहुत अंधेरा सा, डार्क सा, डार्क सा अंधेरा है, कुछ डरावने वाला सा अंधेरा है, और उस पे काले काले पत्थर वगैरह दिखे मुझे, और थोड़ी पानी भी थी वहाँ पर, पानी थी, और पानी पत्थर पे लिखा हुआ था DIE, डाई COME, कम ब्यूटीफुल, डाई कम ब्यूटीफुल। और तो मैंने, मुझे झट से याद आया कि यीशु मसीह की वचन याद आई, और मैंने कहा कि परमेश्वर ने मुझे जीवन देने के लिए बुलाया है, मरने के लिए नहीं। और मैं साथ से उठी और ऊपर तीसरी या चौथी मंजिल, चौथी लगता है मुझे मंजिल पर मैं पहुंची, जहाँ पे रास्ता था, एक अच्छा सा रास्ता था, और उसके दोनों साइड तरफ में
सीमेंट और पत्थर के वॉल थे, और एक साइड वॉल पर एक गुलाब के पौधे का फूल था, जो जिसमें बहुत सारे फूल, गुलाब के बहुत सुंदर फूल लगे हुए थे बहुत सारे। और उस फूल के नीचे की तरफ हल्का सा लाल लाल था, और मैंने देखा कि मेरे होठों पर मुस्कान थी। मेरे से सुना आपने ये सारी गवाहियाँ, और ये गवाही बहुत अद्भुत है। जो एक बहन के बेटे के अकाउंट में 10,000 से ज़्यादा अधिक रुपए आए कल लाइव प्रार्थना के बाद, जो घोषणा हुई थी मिरेकल मनी की, और बहुत चमत्कार हुए, लोगों के पर्स में पैसा आया, लोगों के मिरेकल हुआ। तो लाइव प्रार्थना जब भी हो आपको देखनी है, सुननी है और विश्वास का, ताकि आपके जीवन में भी बड़े बड़े काम हो। देखो, लाइव प्रार्थना हो चाहे कोई भी प्रार्थना हो, इस समय परमेश्वर का आत्मा बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, और इस समय परमेश्वर का अभिषेक काफ़ी तेज़ी से लोगों के ऊपर आ रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप गवाही जो भी आती है उसको दिया करें वॉइस में, ताकि जैसे आपने गवाही सुनी वैसी औरों की गवाही भी जब आप दोगे उनका भी जीवन बदलेगा। तो आपसे निवेदन करता हूँ कि आप बने रहे और हर प्रार्थना देखें, परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।